तो वेल हम सब जानते हैं कि बहु बॉय के पास 7 एलिमेंट्स की पावर है और इन सारे एलिमेंट्स को लीड करने के लिए बहु बॉय के पास एक मेन एलिमेंट है जो कि है बहु बॉय अर्थ। तो वेल हम सब जानते हैं कि बहु बॉय अर्थ बहु बॉय के बाकी सारे एलिमेंट्स का लीडर है और बहु बॉय अर्थ के लीडरशिप में बहु बॉय ने काफी सारे मुकाबले जीते हैं। तो वेल कभी आपने सोचा है कि अगर बहु बॉय अर्थ अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में इतना ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है तो अपने फाइनल ईयर में कितना ज्यादा स्मार्ट होगा और पावरफुल होगा। तो वेल आज की इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को बहु बॉय अर्थ के सारे टीयर्स के बारे में बताने वाला हूँ। टीयर 1 से लेकर टीयर 5 तक मैं आप सभी को बहु बॉय अर्थ के सारे टीयर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो वेल वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर कर देना। एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वेल शुरू करते हैं टीयर 1 से यानी कि बहु बॉय अर्थ से। तो बहु बॉय अर्थ एक ग्राउंड टाइप का एलिमेंट है जो कि ग्राउंड को कंट्रोल और से मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर हम बात करें बहु बॉय अर्थ के अपीयरेंस की तो बहु बॉय अर्थ का पहले बार अपीयरेंस हुआ था बहु बॉय की ओरिजिनल सीरीज में, जहाँ पे बहु बॉय अर्थ हमें बहु बॉय के बाकी एलिमेंट्स के लीडर के तौर पे दिखाया गया था। तो अगर हम बात करें बहु बॉय अर्थ के मूव्स की तो बहु बॉय अर्थ के पास काफी सारे पावरफुल मूव्स हैं, जैसे कि अर्थ बैरियर, अर्थ पंच और भी कई सारे मूव्स। और हमने बहु बॉय की ओरिजिनल सीरीज में देखा है कि बहु बॉय अर्थ ने अपने अर्थ कंटेंट से अर्डुरो को जमीन के अंदर घुसेड़ दिया था। तो हमें से पता चलता है कि बहु बॉय अर्थ बहु बॉय का एक काफी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है। तो वेल अब हम बात करेंगे टीयर 2 की यानी कि बहु बॉय अर्थ क्विक की। तो बहु बॉय क्विक बहु बॉय अर्थ का नेक्स्ट स्टेज है जो कि पृथ्वी के भूकंप को कंट्रोल कर सकता है। तो वेल अगर हम बात करें बहु बॉय क्विक की अपीयरेंस की तो बहु बॉय क्विक का पहले बार अपीयरेंस हुआ था बहु बॉय की ओरिजिनल सीरीज में, जहाँ पे बहु बॉय क्विक अपने कॉन्फिडेंस की वजह से अनलॉक हुआ था। तो वेल अगर हम बात करें बहु बॉय क्विक के मूव्स की तो बहु बॉय क्विक के पास काफी सारे पावरफुल मूव्स हैं, जैसे कि अर्थ गोलम, अर्थ ड्रैगन और भी ऐसे कई सारे मूव्स। और हमने बहु बॉय की सीरीज में देखा है कि बहु बॉय क्विक के अर्थ ड्रैगन ने शैडो ड्रैगन को काफी देर तक संभाल के रखा था। तो हमें से पता चलता है कि बहु बॉय के सेकंड ईयर में बहु बॉय क्विक भी बहु बॉय का एक काफी ज्यादा पावरफुल एलिमेंट है। तो वेल अब हम बात करेंगे टीयर 3 की यानी कि बहु बॉय क्रिस्टल की। तो बहु बॉय क्रिस्टल बहु बॉय अर्थ क्विक का नेक्स्ट स्टेज है जो कि क्रिस्टल्स को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हम बात करें बहु बॉय क्रिस्टल्स के अपीयरेंस की तो अब तक की बहु बॉय की सीरीज में बहु बॉय ने अपने क्रिस्टल एलिमेंट को अनलॉक नहीं किया है। और हमने हंकासा को क्रिस्टल एलिमेंट को यूज करते हुए देखा है जो कि बहु बॉय के अर्थ एलिमेंट का पुराना यूजर था, जिसने अपने क्रिस्टल पावर की मदद से रत्ता का कुछ 100 साल तक अपने क्रिस्टल के अंदर कैद करके रखा था। तो वेल अगर हम बात करें बहु बॉय क्रिस्टल के मूव की तो बहु बॉय क्रिस्टल्स के पास बहुत ज्यादा पावरफुल मूव्स होने वाले हैं, जैसे कि क्रिस्टल स्पाइक, क्रिस्टल वेपन और भी कई सारे मूव। और हमने रत्ता का को भी क्रिस्टल एलिमेंट को यूज करते हुए देखा है, जिसने अपने क्रिस्टल पावर की मदद से बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल की स्पाइक्स बनाए थे। तो आप लोग इसे सोच ही सकते हो कि बहु बॉय का क्रिस्टल एलिमेंट कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वेल अब हम बात करेंगे टीयर 4 की यानी कि बहु बॉय डायमंड की। तो बहु बॉय डायमंड बहु बॉय क्रिस्टल का नेक्स्ट स्टेज है जो कि डायमंड को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हम बात करें बहु बॉय डायमंड के अपीयरेंस की तो अभी तक की बहु बॉय की सीरीज में बहु बॉय ने अपने डायमंड पावर को अनलॉक नहीं किया है। पर फिर भी अगर हम बात करें बहु बॉय डायमंड के पावर्स की तो बहु बॉय डायमंड के पास काफी सारे पावरफुल मूव्स होने वाले हैं, जैसे कि बहु बॉय डायमंड डायमंड को प्रोड्यूस कर सकता है और डायमंड से काफी सारे वेपन्स बना सकता है। और अगर आप लोगों ने बेन 10 सीरीज देखी है तो आप सब जानते होंगे कि बेन के पास एक एलियन हुआ करता था जिसका नाम था डायमंड हेड, जो कि बेन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियन भी था, जिसने विलगेक्स को भी काफी आसानी से हरा दिया था अपने पावर्स की बदौलत। जहाँ पे बेन के बाकी सारे एलियंस विलगेक्स को छू भी नहीं पा रहे थे, वहीं पे डायमंड हेड ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही विलगेक्स को हरा दिया था। तो आप लोग इसे सोच ही सकते हो कि डायमंड एलिमेंट भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट हो सकता है बहु बॉय का। तो फाइनली अब हम बात करेंगे टीयर 5 की यानी कि बहु बॉय क्रोनॉइड की। तो बहु बॉय क्रोनॉइड बहु बॉय डायमंड का नेक्स्ट स्टेज है जो कि क्रोनॉइड क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। आप अगर पूछोगे कि क्रोनॉइड क्रिस्टल होते क्या हैं, तो वेल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रोनॉइड क्रिस्टल होते हैं ये काफी ज्यादा रेयर क्रिस्टल होते हैं जो कि अर्थ पे पाए नहीं जाते। ये क्रिस्टल जो होते हैं ये मीटियोर्स के अंदर बनते हैं, पर हर एक मीटियोर के अंदर नहीं, बल्कि जो मीटियोर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं उनके अंदर ही ये बन पाते हैं। पर ये जो क्रोनॉइड क्रिस्टल होते हैं इनके बनने के लिए भी एक सोर्स की जरूरत होती है जो कि है लाइट की एनर्जी, यानी कि जो भी बड़े बड़े मीटियोर सन के काफी ज्यादा पास होंगे तो सन के अल्ट्रा लाइट रेडिएशन की वजह से एक क्रिस्टल मीटियोर के अंदर बन पाएंगे। और क्योंकि इन क्रोनॉइड क्रिस्टल को बनने के लिए सन की एनर्जी की भी जरूरत होती है, तो इसीलिए इन क्रिस्टल्स के अंदर भी थोड़ी बहुत अल्ट्रा लाइट रेडिएशन होती है। तो आप लोग इसे सोच सकते हो कि अगर बहु बॉय ने अपने क्रोनॉइड एलिमेंट को अनलॉक कर लिया तो क्रिस्टल पावर के साथ साथ बहु बॉय के पास रेडिएशन की पावर भी आ जाएगी, और इसीलिए बहु बॉय क्रोनॉइड भी बहु बॉय का मोस्ट पावरफुल एलिमेंट बन जाएगा।
तो वेल बस यही थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक कम्प्लीट करवा दो, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपको ऐसी और वीडियो देखना पसंद है। और इस वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर देना। और आपको साइड में वो बेल आइकॉन दिख रहा है तो वो कैसे फालतू में रखा है उसको भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसे वीडियो अब तक टाइम पे पहुंचे। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर जा ही रहे हो तो फॉलो करना भी मत भूलना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से एक ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।